हेलो डियर स्टूडेंट्स, यार जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि जेई मेन का जो फरवरी का अटेम्प्ट है वो बहुत ही करीब आ चुका है और सभी की एक ही ख्वाहिश है कि इस समय अपने मार्क्स को बूस्ट किया जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा रामबाण है जिससे हम अभी भी अपने मार्क्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं? यस, मैं बताने वाला हूँ आपको, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। आप अपने मार्क्स को अभी भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर मैथड। गाइस, एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। आप सबके लिए फाइनल स्टेप बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है एंड ये पर्टिकुलर बैच हमारी ATP स्टार ऐप पे अवेलेबल है। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। जिसको अवेल करने के लिए, एनरोल करने के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। जो रैंक बूस्टर टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, ATP स्टार ऐप को रिव्यू करना है, रेट एंड रिव्यू करना है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस ATP स्टार के साथ रहे हैं वो। एंड गाइस, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को अप्लाई करके आप फाइनल स्टेप बैच को अभी के अभी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि उसके अंदर 5 ऑल इंडिया टेस्ट हो रहे हैं, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जिसको हम AIOT बोलते हैं। पहला टेस्ट हो भी चुका है और बाकी टेस्ट 4 टेस्ट अभी बचे हुए, ठीक है? तो आप अभी भी वो टेस्ट दे सकते हैं। गाइस, अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं वो है टारगेट बेस्ड अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका टारगेट है कि मुझे 200 मार्क्स लाने हैं या मुझे 150 मार्क्स चाहिए। अगर 150 मार्क्स आपको चाहिए, यानी ये बताइए क्या आपको पूरा अटेम्प्ट पेपर करने की जरूरत है? आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, हम 150 मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके चक्कर में हम अटेम्प्ट करते हैं 280 मार्क्स का पेपर और हम इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि हमारे 120-110 मार्क्स आते हैं। हो सकता है आप इसे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, तो ये ब्लंडर आपको नहीं करना है। आपको फोकस करना है कि यार मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं, यानी जो आपको नहीं करना है उसको आपको एलिमिनेट करना है कि भाई ये चीज मेरे को नहीं करनी। तो जैसे अब मुझे 200 नंबर का अटेम्प्ट करना है और उसमें मुझे एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, ताकि हो सकता है अगर मेरे को 200 नंबर का अटेम्प्ट करना है, 200 का अटेम्प्ट करना है, तो तुम ही बताओ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 50 क्वेश्चन। और अगर 50 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए और उसमें हमारा एक्यूरेसी लेवल 85-90% रहा, तो जो स्कोर आप अचीव करना चाहते हो आप उससे भी ज्यादा स्कोर अचीव कर सकते हो। यानी जो आप कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए और उसी में अपना एक्यूरेसी लेवल बढ़ाइए। अगर आप उस पर फोकस करेंगे जो आप नहीं कर सकते, या जो अब चैप्टर आपके अच्छे नहीं हुए, तो जो आप कर सकते हो वो भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ओके गाइस, तो टारगेट बेस्ड स्ट्रेटजी का आप जरूर यूज करें, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। एंड गाइस, ये स्ट्रेटजी आपके लिए कामयाब हो तो जरूर बताना मुझे कि आपको कैसा लगा। ओके गाइस, बाकी आप सबके लिए जो फाइनल स्टेप बैच हम लेके आए हैं उसका फायदा जरूर उठाएं। ATP स्टार आपको डाउनलोड करें, रेट एंड रिव्यू करने के लिए प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, एंड टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। ओके गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑन द बिहाफ ऑफ टीम ATP स्टार।